लिए कार्यकर्ताओं का फीडबैक बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके आधार पर सरकारी योजनाओं को जमीन पर साकार करना भी आसान होता है, जिसे मौजूदा कार्यक्रम में हम लगातार देखते आए थे। लोग भी यह जानते हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को वे जो प्रतिज्ञा देते हैं उन्हें वे शीर्ष नेतृत्व तक ले जाकर उसका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास पैसा है या आप किसी खास जाति के हैं या फिर किसी बड़ी परिवार से संबंधित है तो छूटते हैं। भाजपा ने देश को क्यों प्रधानमंत्री दिए जो किसी बड़े परिवार में पैदा नहीं हुए, उनके पास कोई बहुत दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बन सका है तो इसकी सबसे बड़ी वजह आज अपने कार्यकर्ताओं के इसी सामर्थ्य पर ही 2019 के लोकतंत्र का महापर्व। प्रधानमंत्री रावत जी का बहुत बड़ा निवेदन है कि वो बड़ी राजनीति थे राम सिंह रावत जी जो हमारे स्वर्ण सहकारी बैंक के अध्यक्ष हैं, उनका विश्वास करें और हमारे विधायक श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का मन गर्व स्वागत करें। हमारे आदरणीय वरिष्ठ कैलाश पंत जी का भी मन गर्व स्वागत करें। आप प्रतीक चिन्ह लेकर के माननीय न्याय जी और एक सौ रूपये करके माननीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे। आगे मत चलो, आई पीछे आ जाओ ना, पीछे आ जाओ, आई डी में फोटो पीछे बल जी थोड़ा चलो। और मेरा निवेदन है हमारे अध्यक्ष जी पूनम के इस पावन पवित्र स्थान पर रखे गए कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित इस प्रदेश के मंत्री धन सिंह रावत जी, इस क्षेत्र के विधायक गणेश जोशी जी, सहकारिता के अध्यक्ष दान सिंह जी, लैंसीडोन विधायक दिलीप सिंह रावत जी, पूर्व मंत्री रहे हमारे कैलाश पंत जी, आज का यह अवसर जिस पवित्र स्थान पर हम लोग बैठे हैं अपने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आज स्थान रखता है। मां संतला देवी के आशीर्वाद से माननीय विधायक जी द्वारा यहां पर उस स्थान तक पहुंचने के लिए लगभग 1 करोड़ की लागत से जो रास्ते का निर्माण किया गया वो अपने में एक विशेष स्थान रखता है। पहले कभी हम स्कूल टाइम पर यहां पर आया करते थे तो कई किलोमीटर पहले ही उतरना पड़ता था और पैदल आना पड़ता था। आज इसी स्थान पर पहुंचकर और वहां तक जाने के लिए कई स्थानों पर बैठने का भी इंतजाम किया गया है। मैं थोड़ा इस परिदृश्य में बताना चाहूंगा, वैसे बोलना मंत्री जी को था, मंत्री जी ने मुझसे पहले बुलवा दिया, धन्यवाद अदा करना था मुझको, मगर कुछ बिंदुओं पर बोलना भी एक आवश्यक बन जाता है। जैसा कि रूपरेखा दिलों से नहीं किया, कोई काम ऐसे नहीं किए, हमारे विधायक जी लगातार इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। अभी इससे पहले जब ये कार्यक्रम की शुरुआत हो रही थी तो हम बगल के घर में बैठे थे, विधायक जी ने अधिकारियों को बुलवाया, यहाँ के लोगों को बुलवाया और खुद पूछा कि यहाँ पर कोई मुझे सरकारी जमीन बताओ ताकि मैं सामुदायिक भवन का निर्माण करूँ। पहले कभी ऐसे विधायक मिले नहीं मिले। मेरे मित्रों, मैंने भी कॉलेज की राजनीति की है, कॉलेज में हम भी राजनीति किया करते थे। माननीय मंत्री जी का परिचय मुझे मेरा बहुत पहले से लगभग 30 वर्षों से होगा। आपकी कार्य करने की शैली मैंने तब से देखी है, माननीय विधायक जी की कार्य करने की शैली तब से देखी है। कहने का यह अर्थ है कि अभी एक बात यहाँ निकल के आए थी जो बेजू भाई यहाँ बोल रहे थे कि हम
जब हमारे एग्जाम हुआ करते थे छठी सातवीं में, तो हम कहते थे कच्चे एग्जाम और पक्के एग्जाम उससे पहले माँ संतला देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने आते थे कि हमें पास कर देना। पढ़ाई भी जाती थी, मगर अब माँ भी उसको आशीर्वाद देगी जो ढंग से पढ़ेगा। ये ना सोचना कि पढ़ू कुछ नहीं और आशीर्वाद लेके पास हो जाऊंगा, करता है। सिर्फ आशीर्वाद प्राप्त करने से पास नहीं होंगे और आगे सफल नहीं होंगे। तो क्योंकि ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि लोग माननीय मोदी जी की, सम्मानित हमारे विधायक जी और लहसोन के विधायक दलीप भाई, माननीय कैलाश जी, हमारे दान सिंह रावत जी, हमारे मंडल अध्यक्ष जी, विधानसभा के संयोजक और सभी हमारे बूथ के कार्यकर्ता भाई और बहनों, मुझे लगता है कि मोदी जी के डेढ़ घंटे के भाषण के बाद कुछ चीजें बची नहीं है, और अगर मैं कुछ और बोलूंगा तो कार्यकर्ताओं को कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए आज पूरे देश में 1 करोड़ कार्यकर्ताओं को सीधे मोदी जी ने संवाद किया है, और हर मंडल में, हमारे भी उत्तराखंड में 200 मंडलों में कार्यक्रम रखा गया था। कल ही रात मुझे पार्टी अध्यक्ष जी का फोन आया कि आपको मसूरी में जाना है, तो मैंने कहा कि फिर मैं जरूर जाऊंगा वहां। मैं खाली 2 सूचना देकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी लोगों के भाव देख रहा हूं कि लोग 10 बजे से बैठे हैं कि 6 तारीख को अभी हम एक युवा उत्तराखंड करके एक बहुत बड़ा कार्यक्रम परेड ग्राउंड मैदान में करें उच्च शिक्षा विभाग से, और इसलिए कर रहे हैं कि इस 23 महीने में हमारी सरकार ने लगभग 4 लाख नौजवानों को नौकरियां दी, और प्रत्येक विभाग वाइज हमने किस विभाग में कितने लोगों को नौकरी दी है उसका एक प्रेजेंटेशन हम वहां पे करने वाले हैं, और 2019 को हम रोजगार वर्ष के रूप में मनाने जा रहे हैं। और अभी तक जिन जिन विभागों में नौकरियां खुली हैं, लगभग 50,000 से ज्यादा नौकरियां हम इस साल और अपने नौजवानों को देने वाले हैं, तो इसका नाम ही हमने रोजगार वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, और उसी नाम 15,000 युवाओं का एक कार्यक्रम परेड ग्राउंड मैदान में करने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहेंगे, और पूरे 13 के 13 जिलों में हम 5,000 छात्रों को सीधे मुख्यमंत्री जी से संवाद कराएंगे, और जो हमारे 31 विश्वविद्यालय हैं और 500 डिग्री कॉलेज हैं, उनमें भी जैसे आज मोदी जी ने कहा वैसे हमारे मुख्यमंत्री जी सीधे जो है युवा पीढ़ी को संवाद कराएंगे। तो मुझे लगता है कि उस दिन लगभग 3 लाख छात्रों से सीधे हम कार्यक्रम करने वाले हैं। दूसरा मैं सूचना देने चाह रहा हूं कि 8 मार्च को तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, लेकिन 7 मार्च को हम 2 चीजों का उद्घाटन करने वाले हैं, वो भी परेड ग्राउंड मैदान में करने हैं, कि जो हमारे आंगनबाड़ी में 3 लाख बच्चे पढ़ते हैं उत्तराखंड के, उन बच्चों को अब हमारी सरकार 200 मिलीलीटर आंचल का दूध प्रतिदिन पिलाने वाली है 1 अप्रैल से, और वो भी फ्री में दिया जाएगा। तो उस दिन मुख्यमंत्री जी उसकी लॉन्चिंग करेंगे आंचल दूध, और देश का पहला राज्य है जो कि आंगनवाड़ी के बच्चों को निशुल्क पौष्टिक आहार के रूप में जो है हम शुद्ध दूध पिलाने वाले हैं। तो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम वहां पे कर रहे हैं, 10,000 महिलाओं को बुला रहे हैं उसमें, उनके साथ छोटे बच्चों को बुलाएंगे सांकेतिक रूप में, उसका नाम हमने रखा है मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना। और जो आंचल अमृत योजना है, प्रत्येक गांव और प्रत्येक आंगनबाड़ी में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उसी दिन हम महिलाओं को 5 लाख तक का ऋण 0% में देने वाले हैं, उसकी भी लॉन्चिंग देहरादून की उसी दिन करने वाले हैं, और पूरे उत्तराखंड में, पूरे उत्तराखंड में जो एनजीओ हैं, जो समूह हैं, महिलाओं ने कोई भी एक समूह बनाएंगे तो उनको हम 5 लाख रुपए देंगे 1-1 साल के लिए। तो मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग भी कोई समूह बना के अगर आएंगे तो 5 लाख रुपए देंगे हम, और बिना किसके देंगे, फीस के देंगे। पहला देश का पहला राज्य उत्तराखंड है जो महिला समूह को 6 लाख महिलाओं को ऋण बांटने वाला है। और उसी दिन हम, बड़ी दिक्कत क्या होती है कि गांव में लोगों को एटीएम की बड़ी समस्या होती है कि अगर पैसा भी निकालना है तो कहां से निकालेंगे,
तो हम 13 एटीएम वैन चलाने वाले हैं प्रत्येक जिले में। जिस गांव का भी कार्यकर्ता या उस गांव का कोई भी प्रधान फोन करेगा कि भाई हमारे गांव में एटीएम वैन भेज दो पैसे निकाल देंगे, तो हम 3 घंटे में वहां एटीएम वैन पहुंच जाएगी। आपको जो है बैंक में आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसकी भी लॉन्चिंग उसी दिन कर रहे हैं हम। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं और मैं माननीय अपने विधायक जी का बहुत आभारी हूं कि वो रात दिन बहुत काम करते रहते हैं और मुझे लगता है कि इतना सक्रिय विधायक उत्तराखंड में बहुत कम मिलेंगे आपके जितने कि हमारे गणेश जोशी जी हैं। रात दिन जो भी मंत्री मिलेगा ये उनके पीछे पड़ जाते हैं कि मेरे यहाँ क्या दे रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि कभी जब ये मंत्री बनेंगे तो मैं भी कहूंगा कि मेरे यहाँ क्या दे रहे हैं। तो वो समय की नजाकत देखते हुए किसी को भी पकड़ लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि यहां पे जो है कुछ नहीं तो एक सहकारिता भवन दे दो। ठीक हो गया, आज शाम बोध के कार्यक्रम में आ रखे हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने कहा है तो मैं मना क्यों करूंगा। मैं जरूर यहां पे उनके कहने पे यहां पे जैसा भी वो कहेंगे अगर जमीन होगी तो हम भवन जरूर बनाएंगे और बहुत अच्छा भवन बना देंगे। वैसे भी इस बार 3500 करोड़ रूपया भारत सरकार से लाए हैं और एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हम अपने सहकारिता विभाग में करना चाह रहे हैं। एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि अगर कोई भी महिला समूह या इंडिविजुअल महिला या कोई भी बेरोजगार नौजवान अगर 5 गाय लेके वो डेयरी खोलना चाहते हैं तो हम 5000 में 5 गाय दे रहे हैं, दुधारू गाय 1000 की गाय फ्री में इसलिए नहीं दे रहे हैं कि लोगों को फ्री की आदत खराब बहुत है। तो माननीय विधायक जी भी कह रहे थे कि हमको भी 5 गाय दे दो, मैंने तुरंत कहा कि भाई ले जाओ आप, 5000 की 5 गाय मिलेंगी और अगर कोई लेना चाहेंगे तो विधायक जी के पेड़ पे लिख के दे देना, उनको मिल जाएंगे। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फोकस करना चाहिए। रजनी जी आपका धन्यवाद। त्रिपुरा में की जनता त्रिपुरा को आगे निकलने के लिए, हाँ बैठिए रजनी जी, त्रिपुरा की जनता त्रिपुरा को आगे ले जाने के लिए बहुत मेहनत कर रही है, एक मुक्ति का आनंद ले रही है और वहां सरकार भी जन कल्याणकारी कामों में लगी हुई है और इसलिए अगर आगे बढ़ने का यश है तो त्रिपुरा की जनता को है, त्रिपुरा की सरकार को है, त्रिपुरा का नेतृत्व करने वाली टीम को है। मैं तो एक गार्डियन हूं, एक गार्डियन के नाते जितना ख्याल रख सकता हूं जरूर रखता रहूंगा, लेकिन आपने मेरा धन्यवाद किया इसलिए मैं आपका आभारी हूं। देखिए आपका ये प्रश्न वास्तव में दिखेगा, ऐसे में अभी तो भी कहीं अधिक बढ़ा है। आप जानते हैं कि हमारी सरकार ने जन सामान्य को लाभ पहुंचाने नहीं दिए। अब हमारा प्रयास होना चाहिए कि विकास के इन कार्यों की जानकारी जनता के पास घर घर जाकर के प्रत्येक व्यक्ति को मिलकर के उसे ठीक से हम पहुंचाएं। एक कार्यकर्ता होने के नाते हमें उन लाभार्थियों से मिलना चाहिए जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है। मैं अपने अनुभव से कहता हूं लाभार्थियों से मिलना यह अपने आप में ट्रांसफॉर्मेटिव है। आजकल मैं जहां भी कार्यक्रम के लिए जाता हूं उसे मिलता हूं, उनके जीवन की घटनाएं सुनता हूं। साथियों ये अनुभव मुझे भी हृदय को छू जाता है और मुझे काम करने का और आनंद बढ़ जाता है मेरा। आप भी करके देखिए, आपको गर्व होगा कि कैसे अपनी सरकार लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। आपका देश पर विश्वास बढ़ेगा कि हां नामुमकिन अब मुमकिन है। आपका काम करने की प्रेरणा और संकल्प और मजबूत होंगे कि हां इस प्रगति की यात्रा को रुकने नहीं देना है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि सरकार के परिश्रम और आपकी सहभागिता का ही प्रतिफल है कि हम करोड़ों गरीबों पीड़ितों शोषितों दलितों वंचितों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में सफल रहे हैं। भाजपा परिवार ने इसे
कमल ज्योति संकल्प अभियान के तहत एक उत्सव के रूप में मनाया। इसके अलावा मेरा परिवार भाजपा परिवार, इस और आपसे ऊंचा आपका झंडा होना चाहिए, घर घर जाकर के संपर्क करें, भाजपा परिवार में शामिल होने के लिए लोगों को प्रेरित करें, नए लोगों को जोड़े। समाज का कोई वर्ग, समाज का कोई तबका छूटना नहीं चाहिए। गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो, अच्छी आर्थिक स्थिति वाला हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, बड़ी मुश्किल भरी जिंदगी गुजारता हो, खेत मजदूर हो, मध्य, हर किसी को जोड़ना है। इस प्रकार 2 मार्च को, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है, पार्टी की तरफ से पूरे देश में एक साथ विजय संकल्प बाइक रैली का भी आयोजन कर रही है। ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है और हम लोग इस कार्यक्रम को बड़े शान से करें। बाइक रैली का अपना एक अलग ही प्रभाव होता है, युवा साथियों को इसमें पूरे उत्साह से भाग लेना है। आज जब हम न्यू इंडिया और 21वीं सदी की बात कर रहे हैं तो इसमें फर्स्ट टाइम वोटर की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती होता है। और इसका पहला पाठ हम अपने पार्टी के भीतर ही सीखते हैं। ऐसे में सभी बूथ और कार्यकर्ताओं के बीच भी एक हेल्दी कंपटीशन होनी चाहिए और ये स्पर्धा होनी चाहिए कौन कितने युवा वोटर अपने साथ जोड़ सकता है, कौन कितनी महिला वोटर अपने बूथ तक ले जा सकता है, कौन कितने परिवारों का संपर्क करता है, कौन कितने लाभार्थियों के साथ बैठ करके बात करता है, कौन इसकी वीडियो निकाल करके प्रचारित करता है। आज मैं हर बूथ कार्यकर्ता को एक जिम्मेदारी देता हूं, आप ये तय करिए। और मैं सभी बूथ के कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा कि हर बूथ का कार्यकर्ता कम से कम 10 परिवारों के साथ चुनाव तक घनिष्ठ संबंध बनाएगा। अगर एक एक कार्यकर्ता 10-10 परिवार को लेकर बैठ जाए बूथ में, आप कल्पना कर सकते हैं उस बूथ की ताकत कितनी बढ़ जाएगी। उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ेंगे, उन तक सरकार द्वारा किए गए कामकाज की सही और नियमित जानकारी पहुंचाएंगे। कार्यकर्ता संकल्प ले कि मेरे बूथ में सबसे जानता है और उससे देश को क्या फायदा होता है। चलिए, मुझे अच्छा लगा रजनी जी के सवाल पर त्रिपुरा से माध्यम से पूरे देश के कार्यकर्ताओं से बात करने का मौका मिला। आइए हम हापुड़ चलते हैं, यहां हापुड़ में लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। हापुड़ नमस्ते। उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को नमस्कार, प्रणाम करता हूं। और हां, बताइए, मान्यवर, आपने जो उत्तर प्रदेश में विकास कार्य करिए हैं, मैं आपका उत्तर प्रदेश की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। आपसे विश्वास कर चाहता हूं कि आपका हाथ हमारे हाथ चपर ऐसी ही रहे। मुझे विश्वास है मिलने वाला है। हम इस अटल जी का हमें अनुभव है, हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भारत को 142वें से 77वें स्थान पर पहुंचा दिया है। जरा सी चूक से फिर से ईज ऑफ करप्शन का बोलबाला हो जाएगा। आज डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सरकारी पैसों की लूट बंद हुई है। देशवासियों के हजारों लाखों करोड़ रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने से बचे हैं। जरा सी चूक इसमें हर व्यक्ति, आप बैठिए, बैठिए साहब, बैठिए, हाँ, इसमें हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अवसर मिलता है और उसका भी इतना ही महत्व है जितना किसी बड़े आदमी का। सोशल मीडिया ने पिछले कुछ सालों में भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। देश में जागरूकता आई है, अकाउंटेबिलिटी आई है, संवेदनशीलता आई है। आपने देखा कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी सरकार ने
लोगों को कैसे मदद की है, चाहे वे ट्रेन हो, फिर चाहे वो वीजा का मामला हो। और मेरा मानना है कि 2019 में भी सोशल मीडिया और हमारे सोशल मीडिया के वॉलेंटियर्स का अहम योगदान रहने वाला है, आप इसका इनकार नहीं कर सकते। और मैं हमारे सोशल मीडिया के लाखों वॉलेंटियर्स से कहना चाहूंगा कि देश भर में हमारी सरकार की योजनाओं के करोड़ों लाभार्थी हैं, और क्या हम ऐसे करोड़ों लाभार्थियों की स्टोरी को दो दो तीन तीन मिनट की वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर उसको ला सकते हैं क्या? जब टेक्नोलॉजी के उपयोग की बात आती है तो बीजेपी हमेशा से इसमें आगे रही है, और सोशल मीडिया कोई अपवाद नहीं है। और मैंने इसकी ताकत मैं बताता हूं, अपने एक संगठन के बहुत ही अच्छे वरिष्ठ कार्यकर्ता है, उन्होंने अपने मोबाइल फोन पे एक छोटा क्लिपिंग मुझे एक दिन दिखाया, और वो क्लिपिंग देखकर मैं हैरान हो गया। 90 साल की कोई बूढ़ी मां, अरे 90 साल की उम्र, वो सरकार की, भारत सरकार की योजनाओं के सारे नाम एक के बाद एक खुद बोल रही थी। यानी हो सकता है मैं दो चीजें भूल जाऊंगा, लेकिन वो मां बराबर बोल रही थी। जब मैंने इसको मोबाइल फोन पर देखा तो मैं हैरान था, क्या ताकत है इसकी। हम सालों से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं 2009 में सोशल मीडिया से जुड़ा था, तब ये मुख्य धारा में भी नहीं था। हमें सोशल मीडिया का उपयोग कनेक्ट, कम्युनिकेट और करेक्ट करने के लिए करना चाहिए। यह भारत भर के लोगों के साथ जुड़ने, विभिन्न मुद्दों पर उनके विचार जानने, उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने का एक शानदार मंच है। और अगर कोई झूठ फैला रहा है या गालियां दे रहा है तो उसे भी सबके सामने लेने का यह एक मंच भी है। जब सोशल मीडिया की बात आती है तो बीजेपी कार्यकर्ताओं से मेरी अपील है कि वे तीन चीजों पर जरूर ध्यान दें। पहला, पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, दूसरा ईमानदारी, और तीसरा सटीकता। जितना हो सके सकारात्मक बातें शेयर करें, सकारात्मक खबरें शेयर करें। विपक्ष आपको नकारात्मकता की दिशा में बहकाने की कोशिश करेगा, लेकिन आप उनके इस बहकावे में ना आए, हमेशा सकारात्मक बातें ही करें। आखिरकार हमारे पास सकारात्मक बातें करने के लिए बहुत कुछ है, अनगिनत बातें हैं। आप यह सुनिश्चित करें कि आप जो भी खबर शेयर कर रहे हैं वो फेक न्यूज न हो। आजकल विपक्ष ने तो फेक न्यूज के इस्तेमाल के उसमें उन्होंने महारत हासिल कर ली है, और स्वाभाविक सी बात है, जिसका अपना खुद का कोई एजेंडा न हो वो फेक न्यूज को ही अपना एजेंडा बनाएगा। सोशल मीडिया पर हमेशा सावधानी बरतें, नकारात्मकता को फॉरवर्ड नहीं बल्कि डिलीट करें, और अपने मोबाइल से ही नहीं अपने माइंड से भी डिलीट करें। आजकल दुश्मन देश भी फेक न्यूज फैलाते हैं, चाहे वो यूएन में हो या फिर कहीं और बैठे हो, कोई और मैदान मिल जाए, तो ऐसे चारों तरफ ये खेल चलते रहते हैं। हमें चौंकना रहना है, जब सकारात्मक रूप से सोशल मीडिया का उपयोग करने की बात आती है तो हम उस दिशा में हमेशा अग्रणी हैं, अग्रणी रहेंगे, और ये हमारी जिम्मेवारी है। आइए मंगल दो इसके बाद हम चलते हैं महात्मा गांधी की जन्मभूमि पोरबंदर। नमस्ते। बताइए कौन पूछेगा। नमस्ते। हेलो। नमस्ते प्रधानमंत्री जी। नमस्ते। मैं पोरबंदर मंडल से मंडल अध्यक्ष महेंद्र से बात कर रहा हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पहले नोटबंदी हुई तब मध्यम वर्ग को डराया गया, फिर जीएसटी आया,
तो ये कहकर मध्यम वर्ग को भड़काया गया कि इससे मध्यम वर्ग को बहुत बड़ी मार पड़ी है। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि न केवल मध्यम वर्ग को उत्साह होगा कि नोटबंदी के कुछ ही महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, जहां मिडिल क्लास समेत पूरी जनता का हमें भरपूर आशीर्वाद मिला। इसी प्रकार जीएसटी लागू होने के कुछ महीने बाद गुजरात में चुनाव हुए, वहां भी हमारी सरकार बनी। व्यापारियों के घर सूरत में हमें अभूतपूर्व सफलता के भोर दिखी है, उन्नति की हवा चली है, उम्मीदों की धूप खिली है, देश चल पड़ा है प्रगति पथ पे, देश चल पड़ा है प्रगति पथ पे, बस यूं ही चलते रहना है, बस यूं ही चलते रहना है। बहुत कुछ मजबूत किया है, बहुत कुछ मजबूत किया है, बहुत कुछ मजबूत करना है, बहुत कुछ मजबूत किया है, बहुत कुछ मजबूत करना है। गली गली में पक्की सड़कें, गांव गांव में बिजली है, गली गली में पक्की सड़कें, गांव गांव में बिजली है, घर घर में है गैस का चूल्हा और युवा अपने जोश में है, घर घर में है गैस का चूल्हा और युवा अपने जोश में है। देश ने करवट बदली है, देश ने करवट बदली है, ये तो बस अंगड़ाई है, आगे और चढ़ाई है। प्रगति का दौर है, प्रगति का दौर है, ना रुकना है ना थकना है। अभी हुई है साफ सफाई, अभी हुई है साफ सफाई, अभी तो और गति बढ़ाना है। बहुत कुछ मजबूत किया है, बहुत कुछ मजबूत करना है। तो आओ अब ये ठान लें, ये बात गांठ बांध ले, बड़ी मुश्किल से घूमा है प्रगति का पहिया, बड़ी मुश्किल से घूमा है प्रगति का पहिया, प्रगति से इस पहिये को अब रुकने नहीं देंगे। बहुत कुछ मजबूत किया है, बहुत कुछ मजबूत करना है। चलिए अब हम शिमला चलते हैं। हिमाचल वासियों नमस्कार, बताइए हिमाचल कौन को कौन बात करेगा? आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, सबसे पहले मेरी और शिमला शहर की पूरी जनता की ओर से आपको कोटि कोटि प्रणाम। सर, मैं प्रीक्षित शर्मा, भारतीय जनता युवा मोर्चा अध्यक्ष शिमला शहरी से। सर, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि आपको क्या लगता है कि आपकी और आपकी सरकार की क्या हिमाचल तो एक प्रकार से मेरा घर बन गया था, और हिमाचल वासियों से मिलता हूं तो सारी पुरानी यादें उमड़ पड़ती हैं। और आपने जो सवाल पूछा तो सवाल भी तो दिल को छूने वाला है, लेकिन आप हिमाचल वासी मुझे बड़ी बात ही जानते हैं। मैं आपके बीच में कई वर्षों तक रहा हूं, आप मुझे बड़ी बात ही जानते हैं, मेरे जीवन को जानते हैं। लेकिन मैं कभी नहीं चाहता कि मेरी कोई निजी विरासत या लीगेसी हो। इस देश के गरीब से गरीब व्यक्ति के घर में विकास का जो दीपक जला है वही मेरी लीगेसी है। हमने अन्नदाताओं के कल्याण के लिए बीच से बाजार तक केवल चलाया बल्कि तेजी से विकास कार्य किए, यही हमारी लेगेसी है। गांव गरीब शोषित वंचित आदिवासी के उत्थान को हमने सर्वोपरि रखा, यही हम सबकी लेगेसी है। 70 साल बाद 18,000 गांव रोशन हुए, इससे बड़ी लेगेसी क्या चाहिए? करोड़ों महिलाओं को धुएं की भरी जिंदगी से मुक्ति मिल जाए, उस मां के चेहरे पर खुशी नजर आए, इससे बड़ी लेगेसी क्या हो सकती है? आजादी के बाद पहली बार देश
पूज्य महात्मा गांधी के स्वच्छता के सपने को साकार कर रहा है। कितनी बड़ी लीगेसी आज हमारे देश की बन रही है। सेना को हमने न केवल सशक्त बनाया बल्कि देश की रक्षा के लिए उन्हें खुली छूट दी। इससे बड़ी लीगेसी क्या होती है। भारत को मजबूत बनाकर विश्व के अग्रणी देशों में शामिल करने का जो पुरुषार्थ किया यही मेरी लीगेसी है। आज भी नजर दोहराएं तो दिखता है कि स्कूल से लेकर स्टेडियम तक, एयरपोर्ट से लेकर एयरपोर्ट तक, सब कुछ एक ही परिवार के नाम पर रखे गए हैं। हम ऐसी लीगेसी की कल्पना नहीं करते हैं बल्कि हम चाहते हैं कि ये देश उन संतों, महापुरुषों, वीरों, जवानों, किसानों और श्रमिकों को याद रखे, उनकी लीगेसी को आगे ले जाए, जिनका त्याग और परिश्रम इस देश की सभ्यता, संस्कृति और परंपरा में रचा बसा है। आइए हम हरियाणा चलते हैं, रेवाड़ी चलते हैं। नमस्ते हरियाणा, नमस्ते रेवाड़ी। हमारे मुख्यमंत्री जी भी दिखाई दे रहे हैं। कौन पूछेगा? हाँ बताइए। आदरणीय मोदी जी, मैं पूरे रेवाड़ी वासियों की तरफ से मैं सादर नमस्कार करती हूँ सर। नमस्ते सर, मैं मधु यादव, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष। सर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मैंने अब तक के जीवन में कई दशक देखे और कई सरकारें भी देखी, लेकिन आज जो पूरे भारत में विश्वास है वो मैंने पहले कभी नहीं देखा सर। सर वो कभी देखने को नहीं मिला, इसमें आपको क्या लगता है सर, ये सब कैसे हो रहा है? धन्यवाद सर। रेवाड़ी की धरती हो, वीरों की धरती, यहाँ की हर माँ वीर माँ होती है, यहाँ की हर माँ की कोख से वीर पैदा होती है। और इसलिए जब रेवाड़ी से आगे मधुष बैठे आप, और रेवाड़ी से जब कॉन्फिडेंस की बात निकलती है, तो मुझे लगता है वो रेवाड़ी के स्वभाव का इच्छा है। देखिए, जब मन में इच्छा शक्ति हो, दृढ़ संकल्प हो, कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जब सरकार के लिए जन जन तक का महत्व हो, जब सहभागिता को प्राथमिकता मिलती हो, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आपका सवाल बहुत स्वाभाविक है कि पहले भी सरकारें होती थी, कुछ न कुछ योजनाएं होती थी, लेकिन देश में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं देखने को मिलता था। तो इस बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि जब सरकार का परिश्रम और 125 करोड़ देशवासियों का पुरुषार्थ मिलता है, तब देश का कॉन्फिडेंस का पूरी दुनिया के लिए एक विशाल बन जाता है। आप देखिए, लोग वही है, सिस्टम वही है, अफसर वही है, दफ्तर वही है, लेकिन आज देश विकास के पथ पर कई गुना रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। आज भारत की एक सच्ची तस्वीर दुनिया के सामने निकल कर के आई है। जब हमें खुद पर कॉन्फिडेंस है, तो दुनिया भी भारत को लेकर कॉन्फिडेंट हो रही है। पहले भारत का चित्रण एक गरीब देश के रूप में किया जाता था, अब भारत को निवेश के लिए सबसे अच्छे डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाता है। पहले भारत को शांत सपेरे का देश बताया जाता था, आज भारत साइंस, स्टार्टअप और सैटेलाइट के देश के रूप में जाना जाता है। पहले भारत का चित्रण देश की सड़कों पर फैले कचरे को दिखाने के लिए किया जाता था, आज भारत का चित्रण देश में स्वच्छता पर हो रही तरक्की को दिखाने के लिए किया जाता है। पहले भारत को अंधेरे के लिए जाना जाता था, अब भारत एलईडी रिवॉल्यूशन के लिए जाना जाता है। पहले फिल्में बनती थी कि भारत में कैसे अटैक्स हुए, अब फिल्में बस दिखाती है कि भारत ने कैसे उन अटैक्स का मुंहतोड़ जवाब दिया। पहले दुनिया भर में सिर्फ बैटमैन जैसे हीरो हुआ करते थे, अब दुनिया भर के लिए बाहुबली भी एक हीरो है। योग हो, चाहे मेक इन इंडिया हो, चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, भारत ने हर क्षेत्र में
दुनिया को दिखाया है कि हम किसी से कम नहीं है। दोस्तों, आप सबसे मिलकर, आप सबसे बात करके, आप सबका उत्साह देके मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सबका उत्साह, आपकी ऊर्जा मुझे और मेहनत करने की प्रेरणा देता है। आप सबको देखकर मुझे भी वो समय याद आता है जब भी आप जैसा ही एक सामान्य कार्यकर्ता हुआ करता था। आप आज सब जो मेरे साथ जुड़े हैं, चाहे वो हजारों स्थानों से हो या फिर अपने घर अपने मोबाइल से जुड़े हो, आपके लिए नमो ऐप पर एक खास व्यवस्था है। आप नमो ऐप पर जाइए और आपकी सेल्फी मेरे साथ अपलोड करिए और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस तरह से इस महासंवाद को और यादगार बनाते हैं। मैं फिर एक बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह का, उनकी पूरी टीम का, प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्षों का, प्रदेश की सभी टीमों का और बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं का आज हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं कि मुझे करोड़ों की तादाद में हजारों स्थान पर एक साथ आप सबके साथ संवाद करने का अवसर मिला। और पहले भी मैंने कहा था कि देश विकास की यात्रा में रुकेगा नहीं, पहले से गति बढ़ाएगा। हमारा मकसद यही है कि समृद्धि की ओर देश को ले जाना है, उन्नति की ओर देश को ले जाना है। ये सारे प्रयास देश के लिए है, देश के उज्जवल भविष्य के लिए है। और मेहनत करने में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, दौड़ेंगे, बहुत दौड़ेंगे, रुकना नहीं है। आइए फिर एक बार मेरा बूथ सबसे मजबूत, इसी संकल्प को लेकर के चले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद।